नमस्कार दोस्तों मैं हूं जितेश और आज मैं क्रिप्टोग्राफी सीरीज में आर एस एलगोरिदम का पार्ट टू कवर करने वाला हूं अपने प्रीवियस लेक्चर आर एस एल्गोरिदम पार्ट वन में मैंने आर एस ए के कंसेप्ट आर एस ए के एप्लीकेशन की बात की थी और आज इस लेक्चर जो पार्ट टू है आर एस एल्गोरिद्म का उसमें मैं आर एस ए के मैथमेटिकल पोर्शन आर एस ए एल्गोरिदम के बारे में एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा होप यू विल एंजॉय द सेशन सो लेट्स कंटिन्यू तो आर एस एलगोरिदम में हमने मेन तीन स्टेप्स कवर करने हैं फर्स्ट स्टेप इज की जनरेशन एंड सेकेंड इज एनक्रिप्शन एंड द लास्ट वन इज डिक्रिप्शन तो जैसा कि आप जानते हैं कि आर एस एलगोरिदम में दो तरह की कीज का इस्तेमाल होता है वन इज पब्लिक की एंड अनदर वन इज प्राइवेट की तो की जनरेशन के लिए सबसे पहले आपको दो लार्ज प्राइम नंबर्स लेने हैं दे शुड बी डिस्टिंक्ट दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए तो फर्स्ट स्टेप की जनरेशन में क्या है कि आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं तो प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो जैसे टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन जिसके कोई फैक्टर नहीं होते जिसका सिर्फ वन से अपना ही फैक्टर है टू इंटू वन थ्री इंटू वन फर्दर उसको सब डिवाइड फैक्टराइज नहीं किया जा सकता इस तरह के आपको लार्ज प्राइम नंबर्स लेने तो आप मान लें कि पी एंड क्यू आर टू प्राइम नंबर्स सच दैट पी इज नॉट इक्वल टू क्यू नेक्स्ट स्टेप इज टू कंप्यूट द एन आपको एन की वैल्यू कंप्यूट करनी है एन कैसे आएगा पी और क्यू जो दो आपके प्राइम नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन नेक्स्ट स्टेप इज टू कंप्यूट द टोशन फंक्शन तो functions क्या है आपका यूनिट फंक्शन एक जनरल uh, फॉर्म uh, में अगर मैं बात करूं तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है फाइ एन इक्वल टू पी माइनस वन विद इन ब्रैकेट क्यू माइनस वन तो P और Q आपके प्राइम नंबर्स थे तो आपने देखा कि प्राइम नंबर में से एक एक माइनस करके P माइनस वन क्यू माइनस वन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास जो वैल्यू आई वो टोशेंट फंक्शन की वैल्यू फाइव को आपने डिनोट किया फाइव से तो अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं अगर सपोज मेरे को चार का टोशेंट फंक्शन निकालना है तो हियर इट इज फोर तो आप इसको लिखें थ्री देन टू देन वन और यहां पे मैं लिख देता हूं सामने इसके चार तो चार चार से डिवाइड हो रहा है आपका अगर फैक्टराइज की बात करें तो टू भी आपका जा रहा है तो यहां पे आपके पास दो नंबर बच के थ्री एंड वन तो चार का जो ट्यूशन फंक्शन होगा वो हो क्या होगा टू अगर मैं किसी प्राइम नंबर को लेता हूं लेट इट वी थ्री तो थ्री को लिया देन टू देन वन और यहां पे मैंने लिखा थ्री तो थ्री से आपने थ्री डिवाइड कर दिया दो और एक से डिवाइड नहीं होगा तो आपके पास जो है तीन का आपका टोशन फंक्शन क्या आया टू तो आपने देखा कि किसी भी प्राइम नंबर को लेके हम दूसरा कोई प्राइम नंबर लेते हैं लेट इट बी फाइव तो फाइव फोर थ्री देन टू देन वन तो अगर मैं फाइव से इसको डिवाइड करने की बात करूं तो आपका फाइव फाइव से कट हो रहा है बाकी आपको कोई डिवाइड नहीं हो रहा है तो इट मीन वन टू थ्री फोर आपके चार नंबर बचे तो फाइव का जो टोशन फंक्शन आया वो कितना आया टोशन वैल्यू आई वो आपकी फोर तो आपने देखा कि फाइव की फोर आ रही है थ्री की टू आ रही है तो इट मींस की जितने भी प्राइम नंबर हैं उससे एक माइनस ऑफ करेंगे तो उसकी टोशन वैल्यू आपके पास आएगी तो इसीलिए क्यों लिखा ये आपको पता होना चाहिए कि फाई को क्यू तो में मैंने, मैंने, मैंने मैंने से मैंने एक माइनस कर दिया अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे चूज द वैल्यू फॉर ई सच दैट जीसीडी ऑफ ई N, जो येलो फंक्शन था फाइव टू वन तो एक नोटेशन नया आ रहा है ई e, तो हमने ई e की एक वैल्यू को ऐसे चूज करना है कि आपका जो जी सी डी जी सी डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसको हम हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एस सी एफ पी बोलते हैं तो जो हमने मैथ में आपने बेसिक्स uh, क्लासेस में पढ़ा होगा कि जी सी डी कैसे निकालते हैं तो यहां पर जो ई e की वैल्यू हमें लेनी है जी सी डी ऑफ ई

और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपकी ई की जो वैल्यू है और के बीच में में होनी चाहिए जैसे is greater than and it should be less than तो जो जो क्या था प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि दोनों प्राइम नंबर में से हमने एक एक माइनस किया जो यूलिटेशन फंक्शन में हमने देखा था और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास फाइव एन की वैल्यू आ रही थी तो ई की वैल्यू आपकी एक से ज्यादा और फाइव एन के छोटी होनी चाहिए फर्स्ट एट ई एंड फाइ एन और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने जो ई e चूज किया और जो फाइ एन लिया वो तो दोनों जो है को प्राइम होने चाहिए मतलब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए जैसा एग्जाम्पल हमने सात और बीस का लिया तो दीज नंबर आर को प्राइम टू अदर जब हमारे पास e हमने चूज कर लिया नेक्स्ट स्टेप इज टू कंप्यूट द डी क्योंकि ई e और डी की हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें

अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखें, तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको देखते हैं कि डी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है वो किस तरह से तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डी डी इक्वल टू फाइव एन मल्टीप्लाई बाई आई प्लस वन डिवाइडेड बाई ई तो फाइव एन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके देखा था p माइनस वन मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस वन एंड i तो यहाँ पर i क्या है i की वैल्यू हम एक से लेके उतने नंबर्स तक लेनी है जब तक आपका वो नंबर कंप्लीट e से डिवाइड नहीं हो जाता कंप्लीटली इट शुड बी कम्पलीटली डिविजबल बाई जैसे मैंने फाइव की कुछ वैल्यू ले ली सपोज इट वी ट्वेंटी ट्वेंटी मैंने ली और आपके पास i की वैल्यू में सबसे पहले वन पुटअप करूंगा ट्वेंटी इंटू वन ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन और मैं इसको डिवाइड कर देता हूं छे तो से तो आपका कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन अगर मैं ट्वेंटी को किसी ट्वेंटी वन को अगर मैं जो है सेवन से डिवाइड करता हूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो इस तरह से हमें देखना है कि जब तक जो आपकी डी के सामने जो फाइव एन इंटू आई प्लस वन की जो वैल्यू कंप्लीटली ई से डिवाइड नहीं होती तब तक हमें उस नंबर्स को आगे प्रोसीड करना है लेके जैसे दो को, को, को लेना है तीन को लेना है चार को लेना है तो अभी तक हमने ई e और डी की वैल्यू को कंप्यूट कर लिया अभी बात करते हैं पब्लिक की की तो पब्लिक की का जो फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू ई कॉमा एन और पब्लिक की का इस्तेमाल होता है आर एस ए में एनक्रिप्शन के लिए और उसके बाद प्राइवेट की की बात करें इट इज सीक्रेट की एंड यूज फॉर द डिक्रिप्शन तो डिक्रिप्शन के लिए जो प्राइवेट की का जो फॉर्मूला है इक्वल टू डी कॉमा एन तो हमने E और D को कंप्यूट कर दिया है N की वैल्यू हमारे पास दोनों प्राइम नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट था वो था तो इस तरह से हमारे पास पब्लिक की और प्राइवेट की जो जनरेट की जाएगी अभी नेक्स्ट स्टेप आता है जब हमारे पास की का जनरेशन हो गया नेक्स्ट स्टेप इज एनक्रिप्शन तो फॉर अ प्लेन टेक्स्ट मैसेज p द एनक्रिप्शन फंक्शन इज c इक्वल टू p रेज टू पावर e मॉड n तो so ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है कि आपको एनक्रिप्ट करते वक्त किस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है तो यहां पे आप देख रहे होंगे p रेस टू पावर e ईर p इज अ प्लेन टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट रेस टू पावर e तो so e की वैल्यू आपने कंप्यूट कर ली एंड उसको फिर आपने क्या करना है मोड n तो n आपके पास p और q का दोनों का जो प्राइम नंबर्स थे उनका प्रोडक्ट होगा तो ये कंडीशन है साइफर टेक्स्ट को गेन करने के लिए जनरेट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू हिज कॉरेस्पोंडिंग प्लेन टेक्स्ट अभी नेक्स्ट स्टेप आता है डिक्रिप्शन साइफर टेक्स्ट जनरेट हो गया अब साइफर टेक्स्ट को रिसीविंग एंड के ऊपर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है फॉर दैट वी नीड अ डिक्रिप्शन फंक्शन तो डिक्रिप्शन फंक्शन के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है हियर इट इज इक्वल टू टू पावर तो आपका सी क्या हो गया जो साइफर टेक्स्ट था एंड डी आपने कंप्यूट कर रखा है और एन आपके क्या है प्रोडक्ट है दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग और फॉर डिक्रिप्टिंग साइफर टेक्स्ट अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें किसी प्राइम नंबर को चूज करते हैं और कीज को जनरेट करेंगे और उसके बाद उस किसी मैसेज को प्लेन टेस्ट को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेंगे तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं चलिए से फर्स्ट स्टेप था कि हमें दो प्राइम नंबर्स लेने थे लार्ज प्राइम नंबर्स लेने थे लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं छोटे प्राइम नंबर्स ले रहा हूं तो मैंने यहाँ पे तीन और ग्यारह दो प्राइम नंबर्स ले लिए आप कोई भी प्राइम नंबर्स ले सकते हैं ग्यारह तेरह तीन पांच सात ठीक है कोई भी प्राइम नंबर आप जो एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पे तीन और ग्यारह दो प्राइम नंबर्स ले लिए नेक्स्ट स्टेप था कि मेरे को कंप्यूट करना था एन जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन था तो तीन को ग्यारह से मैंने मल्टीप्लाई किया आई गेट थर्टी थ्री उसके बाद मेरे को टोशन वैल्यू निकालनी थी यूलर टोशन फंक्शन के थ्रू तो मेरा जनरलाइज फॉर्मूला था फाइव एन इक्वल टू तो पी माइनस वन मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस वन तो जब मैंने फाइव एन की वैल्यू कैलकुलेट की तो p माइनस वन हो गया थ्री माइनस वन एंड q इज इलेवन माइनस की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 20 आ गई फर्दर उसके बाद जो कंडीशन थी कि मेरे को एक वैल्यू e की ऐसी चूज करनी थी जो एक और फाइव एन के बीच में होनी चाहिए इट मीनस कि एक और बीस के बीच के कोई मेरे को प्राइम नंबर चूज करना था और दूसरी कंडीशन थी कि जो फाइव एन और e था वो दोनों जो को प्राइम होने चाहिए तो मैंने कंडीशन uh, वहां पे डिस्कस uh, की थी कि GCD ऑफ ई एंड एन शुड बी वन तो ये मेरी कंडीशन थी यहाँ पर कि आपका पहली कंडीशन तो ये थी कि आपकी जो ई e की वैल्यू आप चूज करेंगे वो एक और बीस के बीच में होनी चाहिए एक से बड़ी और बीस से नीचे होनी चाहिए और जो भी वैल्यू आप चूज करेंगे दैट शुड बी को प्राइम टू फाइ एन तो उसके साथ उसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए तो जैसे मेरे पास एक और बीस के बीच में जो प्राइम नंबर है वो मैंने यहां पे लिस्ट कर दिया आप देख सकते हैं टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन एंड नाइनटीन तो आप किसी एक प्राइम नंबर को ले सकते हैं इसमें से किसी भी एक प्राइम नंबर को आप चूज करें तो मैंने यहां पे चलिए मैं सात को ले लेता हूं तो मैंने ई की वैल्यू यहां पे चूज कर ली सेवन आप इसमें से कोई भी एक वैल्यू जो है ले सकते हैं नेक्स्ट स्टेप था टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द डी तो डी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था डी मल्टीप्लाई बाई मोड फाइव इक्वल टू वन तो यहां पर मैंने ई e की वैल्यू सेवन ली है तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने डी की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको आप सेवन के साथ मल्टीप्लाई करें और जिसका मोड फाइव तो यहां पर फाइव मेरा बीस है मोड ट्वेंटी कितना आना चाहिए वन तो मेरे को सेवन के साथ ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है डी की अगर मैं उसका मोड ट्वेंटी करूं तो आपके पास रिजल्टेंट कितना है One. तो इस expression को और इजी करने के लिए आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जो डी की सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर आपको ऊपर वाला एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं डी की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए जहां पे आपके पास phi एन इंटू वन प्लस वन डिवाइडेड बाई कैसे करेंगे देखते हैं आपको आई की वैल्यू एक से लेके फर्दर किसी नंबर फोर तब तक इंसर्ट करनी है जब तक वो वैल्यू कंप्लीट आपके ई e से डिवाइड नहीं हो जाती तो ये मेरे डी का फॉर्मूला है सबसे पहले मैं आई की वैल्यू वन पुटअप करता हूं तो आपके पास आप देखेंगे डी इक्वल टू ट्वेंटी क्योंकि यहां पे फाइव एन आपको प्रीवियस स्लाइड में आपने कंप्यूट किया था 20 और आई की वैल्यू मैंने यहां पे ले रहा हूं प्लस वन 1. 1, और ई e मैंने यहाँ पे जो 7, आ, आपने देखा किन सेवन से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और आपके पास मिल रहा है तीन तो इट मीनस कि आपकी डी की जो वैल्यू है वो आ गई तीन क्योंकि कंडीशन वही थी कि आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो डी डी की जो वैल्यू थी वो आपके जो कंप्यूट करने पर ई e से कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए थी आप एग्जाम्पल के लिए दूसरी वैल्यूज भी ले सकते हैं अगर मैं आई की वैल्यू टू इसमें इंसर्ट करता हूं आपका जो एक्सप्रेशन वन है तो आपका बन गया यहाँ पे ट्वेंटी इंटू टू ईर आई है वैल्यू ऑफ आई प्लस वन डिवाइडेड बाई सेवन तो ये हो गया आपका फोर्टी वन डिवाइडेड बाई सेवन तो आप देख रहे हैं कि कंप्लीट इससे डिवाइड नहीं हो रहा है उसी तरह से आप थ्री की वैल्यू ले सकते हैं फोर की वैल्यू ले सकते हैं तो मैंने सारा कंप्यूट करके देख लिया था कि इसमें से कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो जो सेवन से कंप्लीटली इसको डिवाइड करें तो अभी तक हमने डी और ई e की वैल्यू कंप्यूट कर दी आफ्टर दैट जो हमारा जनरलाइज फॉर्म में पब्लिक की का जो फॉर्मूला था जो हमने इनिशियली देखा था तो वो था ई कोमा एन और प्राइवेट की का था डी कोमा एन तो e की वैल्यू हमने सेवन कंप्यूट की और n हमारा था p एंड q का प्रोडक्ट जो आया था 33 और प्राइवेट की में d की वैल्यू हमारे पास आई थी थ्री और n था हमारे पास थर्टी थ्री इस तरह पब्लिक और प्राइवेट की हमारी पेयर यहाँ पे की जन पेयर जनरेट हो चुका है और अभी एग्जाम्पल हम देखते हैं एनक्रिप्शन का तो एनक्रिप्शन के लिए हमारे पास जो जनरलाइज फॉर्मूला था सी इक्वल टू पी रेज टू पावर ई मॉड एन तो यहाँ पे पी की कुछ एक वैल्यू आपको ट्रीट करना पड़ेगी लेट इट बी टू हमने पी की वैल्यू यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दो ले रहे हैं तो इस फॉर्मुले में इस वैल्यू को पुटअप करते हैं टू रेस टू पावर E ईजर e सेवन तो टू रेस टू पावर सेवन देन मोर n, n इज थर्टी थ्री तो जब आप इस वैल्यू को साइंटिफिक कैलकुलेटर से कंप्यूट करेंगे यू विल गेट ट्वेंटी नाइन तो आपके पास यहाँ पे साइफर टेक्स्ट की जो वैल्यू आई वो आपकी आर एल्गोरिथम के थ्रू ट्वेंटी नाइन है तो एनक्रिप्शन के बाद फर्दर मैं देखता हूं डिक्रिप्शन डिक्रिप्शन तो decryption के लिए आपके पास हूँ जर्नलाइज फॉर्मूला था वो था पी इक्वल टू सी टू पावर डी मोड एन तो आपके पास साइफर टेस्ट की वैल्यू आपके पास प्रीवियस स्लाइड में आई 29 वो मैं लिख देता हूं यहां पर और डी की वैल्यू आपकी ऊपर वाले एक्सप्रेशन से डी की वैल्यू थ्री ट्वेंटी नाइन टू पावर थ्री एंड मोड तो so, मैंने लिखा थर्टी थ्री जब आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कंप्यूट करेंगे तो आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी टू तो so, इस तरह से हमने मैसेज को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया अभी देखते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे किस तरह से कीज को जनरेट किया जाता है और एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है सबसे पहले डेस्कटॉप के ऊपर मेरे को एक प्लेन टेक्स्ट फाइल को सेव करना है तो लेट इट बी प्लेन टेक्स्ट बाय नेम प्लेन टेक्स्ट के अंदर कुछ एक इंफॉर्मेशन आपको सेव करनी है लेट इट बी लाइक दिस वेलकम टू हिम बू लर्निंग तो इस फाइल को आप अपने पीसी में लैपटॉप में कहीं भी सेव कर सकते हैं मैं इस फाइल को अपने डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूं तो ये मेरी फाइल सेव होगी। दैट ओपन द क्रिप्ट टूल तो क्रिप टूल की मदद से मैं इस डेमोस्ट्रेशन को कंप्लीट करूंगा तो सबसे पहले आई फाइल तो सबसे पहले मेरी जो फाइल थी प्लेन टेक्स्ट के नाम से उस फाइल को मैंने ओपन किया एंड दिस इज माई फाइल फर्दर आई हैव टू जनरेट द कीज तो नेक्स्ट स्टेप मेरे को पब्लिक और प्राइवेट की को जनरेट करना है आपको आर एस ए 1024 तो मैंने यहाँ पे 2048 को सेलेक्ट किया हियर यू नीड टू फिल इंफॉर्मेशन लाइक लास्ट नेम फर्स्ट नेम हियर इट इज की आइडेंटिफायर so this field is optional i am not going to fill this then there is option for the pin that is this is confidential so i have entered my pin and now i click on the generate key pair so the process is going on and it will show you uh, a message when it is completed so now it is complete now i will see the generated keys here you see there are uh, key already with my name so i am going to delete this first it need a pin for deletion okay now this one is the recently created key here i can show you yeah, here it is this is a public and the private key here so uh, the keys are now generated the next step is to encrypt this plain text with the rsa so use this generated keys and now click on encrypt here this is my encrypted information you need to save this file so i will name this file as a rsa cipher text so this is a cipher so my names uh, file's name is cipher text uh, rsa cipher text now it is saved on desktop so let's uh, first uh, let's see that file on the desktop here it is the rsa cipher test. so this is the created text here you see the encrypted form data this is meaningless data you can see so okay let it close the next step is to decrypt this File with the help of the RSA decryption. So, I need to first open this file. So, file name is RSA ciphertext. This is now open. Now, you have to click on the asymmetric key, then RSA decryption. You need to use that key, and also you need to enter a secret pin. So, I am going to enter my pin now. Click on de decrypt, and my file is decrypted. So, this is the Decrypted file. I need to save this first, so I name it RSA plain text. Plain text. Now, this file is saved on desktop. Let us see. So, I'm going to open this now. You can see the text. The text here you find it is similar to my plain text file which I have saved earlier. दिस इज इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइफोटेस्ट यू कैन सी दिस इज आर एस एनक्रिप्शन एंड्रिप्शन रिजल्ट तो फ्रेंड्स आज इस लेक्चर में हमने देखा आर एस एल्गोरिदम का सेकेंड पार्ट जिसमें मैंने कवर uh, किया मैथमेटिकल पोर्शन और साथ में आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो क्रिप्ट टूल के थ्रू दिखाया कि किस तरह से कीज को हमें जनरेट करना है एनक्रिप्ट कैसे करना है डिक्रिप्ट कैसे करना है और साथ ही साथ हमने दो प्राइम नंबर लेके एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की किस तरह से आपको जो है फाइ एन की वैल्यू निकालनी है पब्लिक और प्राइवेट की को कैसे जनरेट करना है और उन पब्लिक और प्राइवेट की का एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है तो ये प्रैक्टिकल पोर्शन था और जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आरएसए एल्गोरिथम का कवर किया था उसके बेसिक कंसेप्ट और एप्लीकेशंस की बात की थी तो इसी के साथ दिस इज ऑल अबाउट आर एस एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर जय हिंद